गन पार्क वाकये नामपल्ली असेंबली के सामने राशिद खान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और मोहम्मद फैजान कुरैशी यूथ कांग्रेस मेंबर की टीम की जानिब से सईदाबाद की मासूम 6 साला बच्ची के रेप और मर्डर के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला किया और बच्ची के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। जो रात में वाकया हुआ सईदाबाद में, जो चित्रा बोलकर लड़की है उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको किडनैप कराया गया, फिर उसके बाद उसका रेप हुआ, फिर उसके बाद उसका मर्डर हुआ। तो कल जो हुआ मसला, हम लोग उसके ऊपर चित्रा के लिए जस्टिस के हाथ से आवाज़ उठा रहे। मैं हुकूमत तेलंगाना सीएम केसीआर साहब के, चंद्रशेखर राव और महमूद अली साहब होम मिनिस्टर हमारे, उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि उसके उस बच्ची के और उस बच्ची के घर वालों के हाथ से जल्द आवाज़ उसके जल्द से जल्द उसके लिए कार्रवाई करें और उसके साथ इंसाफ का मामला करें। और मैं हुकूमत तेलंगाना से डिमांड कर रहा हूँ कि उस बच्ची के घर वालों को 50 लाख रुपए और 2 BHK बेडरूम दिया जाए। ज़्यादा कल हाल ही में क्या बोलते सो दिल्ली में हुआ था डिफेंस ऑफिसर के साथ, हमारे मुल्क के बच्चा सुरक्षा नहीं है। हमारी आवाज़ ये है कि हमारे मुल्क के बच्चों को सुरक्षा दो और उन लोगों के लिए इंसाफ का मामला करो। जजाकल्ला, अल्लाह।